अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों भाइयों बहनों वीवर सबको मेरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मुईन ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन लाजमी दबाएँ। अब मैं निकला था बाहर और आपने कल वाली मेरी जो रेगुलर वीवर्स हैं उनको पता है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी लेकिन वो कम्प्लीट नहीं की थी, क्यों? और साथ में लिखा था फिल्म का क्या चक्कर है, फिल्म का ये चक्कर है कि यार दो तीन दिन में ना मेरे साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और करना चाहता हूँ, क्योंकि यार तो ये नीचे बारिश कल बहुत आई है ना, वो चीकड़ वगैरह मैं ये नो स्लिप हो जाऊँ। तो बहरहाल बात ये है कि दो तीन दिन से कुछ अजीब एक्टिविटीज़ मेरे साथ हुई हैं तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। वो पिक्चर जो साथ में मेरा एक आपको लड़का मैं नज़र आया होगा, लड़का मैंने दिखाया था आपको, अब उसका क्या सीन है और क्या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ बकायदा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएँ ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है, आप लोगों की वजह से कुछ मुझे खुशी फील हो रही है। बेशक अभी मोनेटाइज नहीं हुआ लेकिन अल्लाह पे यकीन है इंशाल्लाह सब हो जाएगा। तो बहरहाल अगर ज़्यादा लंबा मैं करता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करता क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक फिल्म मैंने इसलिए टाइटल कल वाली वीडियो का दिया था फिल्म का कि एक फिल्मी सीन मेरे साथ बना है, तो वो फिल्मी सीन जो है ना तो वो इंशाल्लाह आपसे अब शेयर करता हूँ। फ़िलहाल मैं वीडियो कट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ घर और यहाँ मज़ीद मैं बात नहीं करता, घर जा कर इंशाल्लाह जो है वो आपको मुकम्मल उसकी तफसील बताएँगे कि वो लड़का कौन था और वो क्या उसकी हालत थी और कहाँ मुझे मिला और क्या वजह थी। तो इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। इतना मैं घर चल जाऊँ, आप इंशाल्लाह वॉच करते रहें, मिलते हैं थोड़ी देर तक। ओके, टेक केयर एंड बाय। अच्छा हमको तो वेलकम बैक व्यूअर्स, अब मैं जा रहा हूँ घर और घर जा के आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। मैंने आपसे बात ये करनी है यार, अभी तक जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एवी व्लॉग देख जा रहे हो यार, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करोगे तो आगे की फिल्म बताऊंगा, नहीं तो फिर मैंने नहीं बतानी। चुप कर बे कुत्ते, जा रहे हैं घर, अब देखें क्या कैरी शायद बेर पटे हो। अच्छा तो चलते हैं, ये शेख साहब थे, उनको क्या पता यार मुइन कहाँ, अल्लाह ने मुइन को कितनी इज्जत दी है उनको क्या पता है, अपन डोन है यार डोन। वो कैट हमारी सोई पड़ी है आराम से गमले के पीछे और ये अपन की गाड़ी है यार, वो कैट हमारी सोई पड़ी है आराम से गमले के पीछे और ये अपन की गाड़ी है यार। चुप कर बे कुत्ते। जी व्यूअर्स तो आ गया हूँ मैं अब छत पे, अब आगे की मेन स्टोरी जो फिल्म जो सीन थे वो आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक व्यूअर्स, अब आ गया हूँ मैं घर, अब आपसे करते हैं मेन बात जो मेन फिल्म के टाइटल से मैंने वीडियो बनाई थी। तो आपको वो लड़का मैंने वीडियो में दिखाया था और फिर भी आप साइड पे आपको स्क्रीन शॉट उसकी नज़र आ रही होगी, आप देखें इस लड़के को। ये लड़का मुझे मेरा एक फ्रेंड बना था अभी कल परसों, दो तीन दिन पहले ना मेरा एक फ्रेंड बना है, तो ये उसका आगे कोई फ्रेंड था तो ये खुद ब खुद बातें कर रहा था तो मुझे कुछ अजीब फील हुआ। तो बहरहाल इसके साथ जो है ना जिन्नात वाला वाक्य है तो मैं इसलिए इसको वीडियो में लेके आया, मैंने चले इसके कुछ हमारे थ्रू कोई भलाई हो जाए
यार हम कोई नेक तो है नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चले यार किसी पीर बुजुर्ग के पास लेके जा सकते हैं। आप यकीन करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप बेशक मेरी बात पे यकीन ना करें, मैंने जो है बाकायदा काफ़ी फन सीखे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं। और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब कहते थे कि अल्लाह ताला अगर आपको कोई चीज़, कोई हुनर, कोई फ़न, कोई चीज़ इलम देता है तो उसे लोगों को बताओ, ताकि अल्लाह ताला के फैज़ को बताओ कि मुझे अल्लाह ने ये दिया है। इसमें फ़ख्र वाली बात नहीं है, गुरूर वाली बात नहीं है, तकब्बुर वाली बात नहीं है, और मैं इसलिए तकब्बुर वाली बात नहीं कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी नज़रों से जो जिन्नात होते हैं ये चार पांच बार देखे हैं, और इस लड़के के साथ भी मैंने देखे थे। बहरहाल अब ये कौन था, कहाँ का है, कोई मैं इसके बारे में डिटेल से नहीं जानता, क्योंकि ये मेरे दोस्त का दोस्त था। तो बहरहाल मैंने कहा चलें आपसे ये बात शेयर कर दें कि लड़का कौन था, अगर आप विवरण से कोई जानता है तो इसका बताइएगा कमेंट्स में, तो सोचना चाहिए यार इसके बारे में। और है भी इसके साथ, जो मैं आपको बताऊं, इसके साथ जो है भी सही, और जिससे बातें करता है, तो क्योंकि कल तो आपने देखा तूफान की तरह इतनी तेज़ हवा थी कि मैं आगे जा रहा था लेकिन उस बंदे पे कोई असर नहीं हुआ, वो एक जगह आराम से इजी चलता रहा, हालांकि मैं यकीन कर इतनी तेज़ हवा थी, आपने साउंड में भी सुनी होगी, तो मैं आगे जा रहा था लेकिन वो इजी चल रहा था। तो बहरहाल इस बंदे का अगर कोई जानता है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा इंशाल्लाह। हम तो यही कहते हैं कि यार हमारी वजह से शायद कोई इसको कहीं लेके जाए किसी बुज़ुर्ग के पास। और मज़े की बात, लास्ट बात मैं आपसे करता हूँ, कौन सी मैं भी आपको बताता हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स, अब आ गया हूँ मैं घर, अब आपसे करते हैं मेन बात, जो मेन फिल्म के टाइटल से मैंने वीडियो बनाई थी। तो आपको वो लड़का मैंने वीडियो में दिखाया था, और फिर भी आप साइड पे आपको स्क्रीन शॉट उसकी नज़र आ रही होगी, आप देखे इस लड़के को। ये लड़का मुझे मेरा एक फ्रेंड बना था, अभी कल परसों दो तीन दिन पहले ना मेरा एक फ्रेंड बना है, तो ये उसका आगे कोई फ्रेंड था, तो ये खुद ब खुद बातें कर रहा था, तो मुझे कुछ अजीब फील हुआ। तो बहरहाल इसके साथ जो है ना जिन्नात वाला वाक़िया है, तो मैं इसलिए इसको वीडियो में लेके आया, मैंने कहा चलें इसके कुछ हमारे थ्रू कोई भलाई हो जाए, यार हम कोई नेक तो है नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चलें यार किसी पीर बुज़ुर्ग के पास लेके जा सकते हैं। आप यकीन करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप बेशक मेरी बात पे यकीन ना करें, मैंने जो है बाकायदा काफ़ी फ़न सीखे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं। और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब कहते थे कि अल्लाह ताला अगर आपको कोई चीज़, कोई हुनर, कोई फ़न, कोई चीज़ इलम देता है तो उसे लोगों को बताओ, ताकि अल्लाह ताला के फैज़ को बताओ कि मुझे अल्लाह ने ये दिया है। इसमें फ़ख्र वाली बात नहीं है, गुरूर वाली बात नहीं है, तकब्बुर वाली बात नहीं है, और मैं इसलिए तकब्बुर वाली बात नहीं कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी नज़रों से जो जिन्नात होते हैं ये चार पाँच बार देखे हैं, और इस लड़के के साथ भी मैंने देखे थे। बहरहाल अब ये कौन था, कहाँ का है, कोई मैं इसके बारे में डिटेल से नहीं जानता, क्योंकि ये मेरे दोस्त का दोस्त था। तो बहरहाल मैंने कहा चलें आपसे ये बात शेयर कर दें कि लड़का कौन था, अगर आप विवरण से कोई जानता है तो इसका बताइएगा कमेंट्स में, तो सोचना चाहिए यार इसके बारे में। और है भी इसके साथ, जो मैं आपको बताऊं, इसके साथ जो है भी सही, और जिससे बातें करता है, तो क्योंकि कल तो आपने देखा तूफान की तरह इतनी तेज़ हवा थी कि मैं आगे जा रहा था लेकिन उस बंदे पे कोई असर नहीं हुआ, वो एक जगह आराम से इजी चलता रहा, हालांकि मैं यकीन कर इतनी तेज़ हवा थी, आपने साउंड में भी सुनी होगी, तो मैं आगे जा रहा था लेकिन वो इजी चल रहा था। तो बहरहाल इस बंदे का अगर कोई जानता है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा इंशाल्लाह। हम तो यही कहते हैं कि यार हमारी वजह से शायद कोई इसको कहीं लेके जाए किसी बुज़ुर्ग के पास। और मज़े की बात, लास्ट बात मैं आपसे करता हूँ, कौन सी मैं भी आपको बताता हूँ। आज भी VIP मौसम है भाई, और इनकी मौजें हैं, चलो चलते हैं हम नीचे।
आपसे ये करना चाहता था कि आखिरी बात है, इसके बाद मैं व्लॉग एंड करता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। आखिरी बात यह है कि कल लाल दरवेश यहाँ हमारा दरबार है साथ ही, तो वहाँ 5 बंदे मौजूद थे, एक माशाल्लाह कारी साहब भी थे, तो वो मुझे कहते हैं कि ये दरबार के अंदर जाएगा। मैंने कहा ये दरबार के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि पहले मैं गया था लाल दरवेश के अंदर, मैंने वहाँ थोड़ी शाह मर्दान थोड़ी पढ़ी है, कलाम पढ़ा है, तो वहाँ बंदा भी आया था, तो इसे मैं कहता रहा कि अंदर आ जाएं, लेकिन ये बंदा अंदर नहीं आया। फिर वो जो मौली साहब थे उनके साथ 4 लड़के और थे, उन्होंने मुझे कहा, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि एक तो बैटरी ख़त्म थी और दूसरा बारिश बहुत थी, आपको कल जुमे वाले दिन का पता होगा। तो बहरहाल मैंने कहा कि आप इसको दरबार के अंदर लेके जाएं, मैं रोटी खिलाने के लिए आपको खाना खिला लेंगे, मैं तैयार हूँ। आप यकीन करें, उन्होंने बड़ी कोशिश की, हालांकि वो माशाल्लाह नमाजी परहेजी दाढ़ी वाले बंदे थे, लेकिन वो बंदा अंदर नहीं गया और वो आज भी मुझे नज़र नहीं आया, कहाँ है कहाँ नहीं, कोई नज़र नहीं आया। तो बहरहाल वो अंदर नहीं गया। तो यार उम्र से जो है ना, आपको मैं एक बात बताते चलूँ, उम्र से इंसान बड़ा नहीं होता, कुछ अल्लाह ताला इलम जिसे दे, इलम से इंसान बड़ा होता है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्म, ये सीन, ये आपको परेशान तो किया होगा और पसंद आए ना आए, लेकिन आपको एक दफ़ा हैरत तो हो रही होगी कि ये व्लॉगर कैसे बात करें, लेकिन मैं यकीन करें, आप यकीन करें या ना करें, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूँ। तो बहरहाल इसी के साथ मैं वीडियो को कट करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, 1000 सब्सक्राइबर ने मेरा काम कंप्लीट करवाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह कुछ सोचेंगे और कुछ करने का। अब लेकिन फ़िलहाल तो माइंड में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जब से वो मैंने चीज़ देखी है, मेरा अपना थोड़ा दिमाग अभी सेट नहीं है। तो बाहर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, हमें दें इजाज़त। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़।